हाय गाइस, वेलकम टू टुडे शो। हम कराते हैं एंटरटेनमेंट की दुनिया से आपका डायरेक्ट कनेक्शन। मैं हूं सपना। बात कर रहे हैं वो द प्राइड ऑफ इंडिया की, इंडिया पाकिस्तान के युद्ध पे बनाई जा रही ये फिल्म, जिसमें अजय देवगन मुख्य किरदार में नजर आने वाले हैं। साथ ही इनका साथ देंगे संजय दत्त, सोनाक्षी सिन्हा और नोरा फतेही, सरद केलकर जैसे बेहतरीन सितारे। इन सब के साथ इस फिल्म को बनाया जा रहा है। इतनी अच्छी स्टारकास्ट से सजी इस फिल्म का इंतज़ार भी उतनी ही बेसब्री से किया जा रहा है। आपको बता दें, फिल्म को वैसे तो काफ़ी जगह पर रिलीज़ किया जाएगा, लेकिन दो ऐसे देश हैं जहां पे इस फिल्म को रिलीज़ नहीं किया जाएगा। भले ही वहां के थिएटर्स क्यों ना खुले हों, फिर भी नहीं। जी हाँ, बड़े पर्दे पर जब इस फिल्म को रिलीज़ किया जाएगा तो दो ऐसे देश हैं जहां पे इसकी रिलीज़ को रोक दिया गया है, और ये देश हैं चाइना और पाकिस्तान। इंडिया के साथ जिस तरह से कॉन्फ्लिक्ट इन दिनों चल रहा है चाइना का, ऐसे में ये फिल्म चाइना में रिलीज़ नहीं हो सकती। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान की ही कहानी पे इस फिल्म को बनाया गया है, और वैसे भी पाकिस्तान के साथ काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं हमारे, इसी वजह से फिल्म को वहाँ भी रिलीज़ नहीं किया जाएगा। इससे पहले भी तानाजी द अनसंग वॉरियर और दे दे प्यार दे जैसी फिल्मों को भी चाइना और पाकिस्तान जैसे देशों में रिलीज़ नहीं किया गया था। इनसे जुड़ी और जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहें। थैंक यू सो मच।